किसी भी 3DX मशीन का मास्टर सिलेंडर चेंज करना है तो इसका सिंपल सा फंडा है कि आप जो एयर फिल्टर का जो ये दोनों बोल्ट होता है, ये दोनों बोल्ट को खोल लें। उसके बाद एक क्लैंप जो होता है 7 नंबर या 8 नंबर जो भी लगता है, इसमें 7 नंबर लगाया गया है, ये दोनों क्लैंप को खोल लें। दोनों क्लैंप खोलने के बाद इस होज पाइप को निकालने के बाद ये पूरा निकालना है बाहर। उसके बाद पूरा फ्रीडम मिल जाएगा आपको और दोनों वहाँ पे मास्टर सिलेंडर लगा रहता है, उसको आप सिंपली आसानी तरीका से खोल सकते हैं, जो कि वीडियो में आगे आपको बताए हैं। मास्टर सिलेंडर को चेंज करने के लिए सिंपल सा इसका तरीका है कि आप जो ब्रेक वायल का जो डिब्बा रहता है, इसका जो पाइप गियर रहता है 16 नंबर का बेंच वाशर के साथ, जो कि ये है, इसको आपको दिखाते हैं। ये 16 नंबर का बेंज वाशर जो दोनों साइड लगता है इसमें, ये इसमें, और इसका सिंपल सा तरीका है कि आप उधर से पीछे से केबिन के साइड से इस साइड से ना खोलें, इस साइड से खोलने से पहले आप ये दोनों 16 नंबर का ये और ये हटा लें। दोनों हटाने के बाद ऊपर इसको फंसा दें, जो भी ब्रेक वाल का डब्बा का पाइप हो उसको। फिर ये जो बोल्ट है, ये 13 नंबर से थोड़ा सा बड़ा लग रहा है ये बोल्ट। इस बोल्ट वाले पाइप को खोलने के लिए सिंपल सा तरीका है कि आप, अगर आपके पास कोई रिंच नहीं है तो सलाई रिंच रखें, क्योंकि वहाँ पे सलाई रिंच है, और उस सलाई रिंच से आप नॉर्मली पकड़ के आप ऐसे खोल दीजिए। इसे खोलिएगा, ये नॉर्मली खुल जाएगा। ये खुलने के बाद फिर इसको भी, ये भी खुल चुका है, इसको भी फंसाएं आराम से और इसको भी आसानी से खोल दें। ये 14 नंबर नहीं 13 नंबर, ये दोनों बीच का लग रहा है रिंच। 14 नंबर ढीला हो रहा है और 13 नंबर लग ही नहीं रहा है। को खोलने के लिए सिंपल सा तरीका यही है कि पूरा यहाँ तक फंसा लें रिंच, ये बोल्ट को, उसको खोल लें। और दोनों पाइप को खोल दिया गया है, जो कि अब इसके बाद आप ये जो नीचे वाला 10 नंबर है, इसको आप सिंपली खोलने का तरीका है कि ये दोनों सिलेंडर को पीछे से खोलें, जो कि 13 नंबर लगता है, और जो भी क्लैंप है उसको हटा लें, जो कि वीडियो में पहले दिखाया है। उसको हटाने के बाद, उसे खोलने के बाद ये पूरा सेट बाहर ले लें। पूरा सेट बाहर लेने के बाद आप आसानी से उसको पकड़ के खोल सकते हैं। ज़्यादातर खोलने में दिक्कत यहीं करता है, यहीं थे। इसको खोलने के लिए ऊपर ये दोनों साइड में चोट मार दें। चोट मारने के बाद ये सिंपल तरीका से थोड़ा सा बल लगाएंगे, आसानी से ये खुल जाएगा। मास्टर सिलेंडर चेंज करने का सबसे आसान तरीका, चोट मारें और खोल दें। अभी खोलने के लिए उधर से पहले नहीं खोलना है, फिक्स ऐसे ही रहने दीजिए, इधर का पहले खोल लीजिए। ये सब करने के बाद फिर एयर निकालने के लिए इस डब्बा का पूरा कनेक्शन उसमें कर दीजिए, वहाँ पर लगा दीजिए। लगाने के बाद इसमें तेल भर के नीचे जो एक्सल के पास जो दो बोल्ट रहते हैं एयर निकालने वाले, वहाँ से एयर निकाल आसानी से। मास्टर सिलेंडर चेंज करने का सबसे सिंपल तरीका है कि, और केबिन हटाना चाह रहे वाला स्टेनिंग का, अगर ढक्कन पूरा हटाना वाले हटाना चाहते हैं तो हटा के और सिंपल तरीके से कर सकते हैं, नहीं तो इसको खोलने के लिए पहले एक क्लैंप खोलना पड़ेगा दोनों साइड का। उधर भी दिया हुआ है, उस साइड भी वहाँ पे दिया हुआ है, उसका भी क्लैंप दोनों को हटा के फिर आपको ये 13 नंबर का बोल्ट खोलना है। 13 नंबर का बोल्ट खोलने के बाद ये क्लैंप खोलने के बाद फिर आगे से आप सिंपली आगे साइड से आपको
पाइप का कनेक्शन पूरा हटाना पड़ेगा, जो भी कनेक्शन रहता है इसका, वही 10 नंबर का। सर जी रुक जाइएगा। जी इसमें एक 13 नंबर का गोटी है और 300 है और रैचिट है। इससे आसानी से दोनों बोल्ट खुल जाता है, मास्टर सिलेंडर का 13 नंबर वाला ये। अरे रुक जाइए एक मिनट विशाल भैया। हाँ लीजिए गया। नीचे दबा के ले लीजिए अब चला जाएगा। दाबिए रोक रहेगा। मास्टर सिलेंडर दोनों खुल चुका है। कमर का काम नहीं लगा तो लेके आए थे हम ही ना, तुम बैठे थे कन्हाई गया था। मास्टर साहब वाला है दीदी जी वाला ऑफिसर पर है, मंगवा लो क्या नाम है भेजो उसको चंदन को एक आदमी। फिर आया मास्टर सिलेंडर ले आया। यह है मास्टर सिलेंडर नया वाला, जो कि इसका पार्ट नंबर है 337YY4500। ये 2017 मॉडल में ये पार्ट नंबर लगाया जा रहा है 337YY4500। ये दोनों नया मास्टर सिलेंडर है। ये नया मास्टर सिलेंडर फसा दिए जाए बस। अभी नया सिलेंडर लग के रेडी, हम तो बोलेंगे कि दोनों नया वाला में पूरा लग के पाइप तैयार। अभी जाके ऊपर सेटिंग होगा। टाइट करें फूल चाहे कर दीजिए करी चाहे रुक जाइए। हम सोच रहे हैं ना ढीला कीजिए ना एगो एगो कोनो को, इसको कीजिए ढीला इसको।
कौन सा, दोनों टाइट कर दिए। थोड़ा सा पाइप को ढीला ही रखना। ये 13 इंच रखिए, मास्टर सिलेंडर का दिए कर। ये चारों बोल्ट खोलना है तो ये वाला और इसका अंदर वाला, ये इस साइड से लगाए खोलने के लिए। इस साइड से 29 तारीख को इस साइड से अच्छा है, लड़के लिए झगड़ा करना हमारा खोलने के लिए भी आसान है और कसने के लिए भी आसान है। अगर इस साइड से आप फंसाते हैं तो याद नहीं कि 5 तक ऐसी फैल हो गई। उस साइड से लगाएंगे, लगाएगा तो आसानी से कसा भी जाएगा। और इसको यहाँ पर फंसाइए, यहाँ पे फंसाइएगा तो ये आसानी से ये बोल्ट खुल जाएगा और कसा भी जाएगा। फिर इसको कसना है तो इसको आसानी से यहाँ फंसाइएगा तो आसानी से खुल भी जाएगा। इधर खींचेगा तो खुल जाएगा, उधर खींचेगा तो टाइट हो जाएगा, इधर खींचेगा तो टाइट। और ये बोल्ट के लिए आपको सीधा एक्सीलेटर के इस साइड से लगाना है, इस साइड से फंसाइए। इस सेट से फंसाने के बाद ये आसानी से आपको कसा भी जाएगा और खुल भी जाएगा। खोलने का ये सिंपल सा तरीका है, बस ये रिंच से आप चारों बोल्ट आसानी से खोल सकते हैं। लॉक लग गया है पूरे रॉड में। दूसरा रॉड में भी लॉक लगा दिया गया है। तैयार हो चुका है और इसके बाद एयर निकाला जा रहा है। डिब्बा में ये जो दोनों पाइप जो था एक्सल में लगा रहता है, उसमें दो निपुल रहता है ऊपर, उसको ढीला करने के बाद उसमें से ब्लीडिंग करवा दीजिए अच्छे से प्रेशर से। उसके बाद एयर निकल जाएगा, उसके बाद स्टार्ट करके देखते हैं। यहीं पे दोनों लगा रहता है वो जो यही दोनों रहता है, ये वाला और ये वाला। ये दोनों ढीला कीजिएगा और पॉडिल दबाइएगा, ठीक हो जाएगा ब्रेक। ऐसा मास्टर सिलेंडर नया लगा है, अब ब्रेक पूरा अच्छे से अब काम करने लगा है। दोनों साइड का, ये है राइट साइड का और ये है लेफ्ट साइड का। मारा था